हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ। ओके, यह जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, यह बिहार सरकार की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। किस डिपार्टमेंट में? तो देख सकते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अमीन के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो तकरीबन दोस्तों 1700 यानी कि 1700 से ऊपर के पदों पे अमीन के डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ का जो नोटिफिकेशन है मैंने डाउनलोड करके रखा है, या फिर दोस्तों आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीसीईसीबी बोर्ड बिहार डॉट जो भी पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आपको होम के सेक्शन में डायरेक्टली नोटिस बोर्ड में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, इसके लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह क्लास 12th पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली पहले क्लियर कर दूं, फिर हम लोग देखेंगे सभी डेट कैटेगरी कैसे आपको अप्लाई करना है, आपका रिटन एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, सभी कुछ हम लोग आपको बताएंगे। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगर कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए फ्रेंड, बिहार मतलब एलआरसी में जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 1767 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ जो लास्ट डेट जो बताया गया दोस्तों, तो 22 जनवरी तक आप लोग लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, या इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12th पास होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फी कितना होगा, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपया, वही दोस्तों एससी एसटी पीएच फीमेल के लिए 100 रुपया। अब ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पे कर सकते हैं। आपका मिनिमम मैक्सिमम एज क्या मांगा गया है दोस्तों, तो 18 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 37 वर्ष। अब देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पोस्ट जो है डिवाइडेड है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि ठीक है, फिर हम लोग इसका जो ऑफिशियल है वो भी हम लोग देख लेंगे अच्छे से। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है वह क्लियर हो जाए। तो वैकेंसी डिटेल की अगर बात की जाए तो टोटल 1767 वैकेंसी है। ठीक है, अब जनरल बीसी ईबीसी एससी एसटी बीसी फीमेल ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल का जो वैकेंसी है दोस्तों, वह डिटेल में यहाँ पे दिया गया किस कैटेगरी में मेल के लिए कितना, फीमेल के लिए कितना तय किया गया। अब आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, मतलब कि किस तरीके से आपका चयनित होगा इस एग्जाम के लिए, तो यह आपका सीबीटी इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए क्या क्या बातें को आपको ध्यान रखना है, तो इसका जो ऑफिशियल है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सेम यही चीज मैं आपको बताया, मैंने बताया आपको यहाँ पे पूरा क्लियर करके। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो वही है। अब आपका वेतनमान यानी कि पे स्केल कितना होगा, तो 52,200 से लेके 20,200 तक का, प्लस ग्रेड पे जो है वह 2,000 होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया दोस्तों, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कम से कम आपको अमीन पनपन नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को 12th पास होना चाहिए। स्वास्थ्य समस्ति योजना ये आप पढ़ सकते हैं। आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये मैंने बता दिया। आपका आयु सीमा क्या होगा सभी कुछ हमने देखा। आरक्षित श्रेणी भी हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। ओके, अब देखिए आपका जो सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा वह कैसे होगा, ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यह दो खंड में होगा, खंड ए खंड बी। खंड ए 50 अंक का होगा, खंड बी 25 अंक का होगा। खंड ए जो है दोस्तों उसमें समान ज्ञान, समसामयिक घटना, समान विज्ञान तथा सामान्य हिंदी, द्वितीय सामान्य गणित, सभी प्रश्न इंटरमीडिएट स्तरीय वस्तुनिष्ठ एवं यानी कि एमसीक्यू होगा दोस्तों। परीक्षा में भाषा का माध्यम आप हिंदी इंग्लिश दे सकते हैं। कुल 75 प्रश्न होंगे, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक आप करके डाउनलोड कर सकते हो। कैसे कैसे करना है दोस्तों आपको अप्लाई, यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया। अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं पूरी मदद करूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी कुछ बताया गया है। इम्पोर्टेंट डेट देखिए तो 23 तारीख यानी कि कल से शुरू हो जाएगा, कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट भी यहाँ पे बताया गया। अब कब तक टेंटेटिव डेट होगा सीबीटी का, तो 15 मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी से लेकर 16 फरवरी। ठीक है, परीक्षा का केंद्र आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। ओके, कैसे आपको अप्लाई करना है, इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है अप्लाई लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़ के आप लोग दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। जो जो बातें थी दोस्तों मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया है। ओके, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।